नमस्कार दोस्तों, मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट किस उम्र में स्टार्ट कर देना चाहिए, किस एज में हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे। आइए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इन्वेस्टमेंट का रूल है कि इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हम स्टार्ट करें उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फ्रेंड्स देखिए, एक तरफ है मिस्टर खिलाड़ी और दूसरी तरफ है मिस्टर अनाड़ी। अब ये दोनों को ही अपने बच्चे के शादी के लिए पैसा जमा करना है। दोनों के ही बच्चे सेम उम्र के हैं, एक ही एज के हैं, ठीक है। तो मिस्टर खिलाड़ी ने क्या किया, जब वो 25 साल के थे तब से ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अपने बच्चे के लिए 1000 रुपये की SIP म्यूचुअल फंड में उन्होंने लगा दी और उन्होंने 50 साल तक इन्वेस्ट किया। जब उनकी एज 50 साल की हुई तब तक उन्होंने इन्वेस्ट किया। कहने का मतलब 25 साल तक उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उनके जेब से जो टोटल पैसा गया, टोटल इन्वेस्टमेंट जो उनका हुआ वो हुआ 3 लाख रुपये का, और उनका जो कॉर्पस जमा हुआ वो 33 लाख रुपये का, 33 लाख रुपीज़ का। ये 15% CAGR रिटर्न के हिसाब से हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ मिस्टर अनाड़ी ने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट किया 35वें साल में स्टार्ट किया, जब वो 35 साल के थे तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने 3000 रुपये की SIP की हर महीने की, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट फिर 50 साल तक ही किया, ठीक है। तो मतलब जब उनकी एज 50 साल तक हुई तब तक उन्होंने इन्वेस्ट किया और उनके जेब से जो टोटल पैसा गया, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ उनका 5,40,000 रुपये का हुआ, और उनको उनका जो कॉर्पस बना हुआ है शादी के लिए वो 20 लाख रुपये का बना। अब यहाँ पर आप देखिए कि मिस्टर खिलाड़ी ने सिर्फ 1000 रुपये की SIP की और मिस्टर अनाड़ी ने 3000 रुपये महीने की SIP की, ठीक है। और मिस्टर खिलाड़ी ने सिर्फ 3 लाख रुपये उनके जेब से पैसा गया और मिस्टर अनाड़ी के जेब से 5,40,000 रुपये गया, तब भी उन्हें कम पैसा मिला, ठीक है। मिस्टर अनाड़ी को तब भी कम पैसा मिला, ठीक है। तो ये होता है इफेक्ट, जितना जल्दी शुरू करें उतना हमारा ज़्यादा फायदा होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि मिस्टर खिलाड़ी सही में खिलाड़ी साबित हो गए, उन्होंने कम पैसा इन्वेस्ट करके भी ज़्यादा बना लिया, और मिस्टर अनाड़ी साबित हो गए जिन्होंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके भी कम पैसा बनाया। तो आपको भी इन्वेस्टमेंट में मिस्टर खिलाड़ी बनना है, न कि मिस्टर अनाड़ी बनना है। तो शुरू करिए आज से ही, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।